everyone, this is Shreya aka The Roaming Chick and once again welcome back to my channel. जैसे कि आपको पता है कि मैं रोड ट्रिप कर रही थी पुणे में. आई हैड गॉन टू माई नानीज हाउस और वहाँ पर मैंने लगभग 15-20 दिन स्पेंड करे हैं और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाए हैं. हम अब निकले हैं यहाँ से सुबह 6 बजे पुणे से और अभी हम हैं हाईवे पे. वी हैव क्रॉस्ड नारायण गांव. तो हम रुक के हाईवे पे एक जगह पे जहाँ पे हम खा रहे हैं मिसल. ट्रैफिक एज इन थोड़ा कहीं कहीं चौक पे जाम है और बहुत सारी रैलियाँ निकल रही हैं. तो हम बाईपास करते हुए जा रहे हैं सिटी तो हमें उतना ट्रैफिक नहीं मिल रहा है. फर्स्ट क्रॉस नासिक एंड वीर ऑन द हाईवे राइट नाउ अबाउट टू रीच चांदवर बट माई मॉम इज आउट देयर बाइंग सम फ्रेश ग्रेप्स. पुणे से सुबह निकले मॉर्निंग में तब इतना ज़्यादा रैली वगैरह का सीन नहीं था बट जैसे हम नासिक पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए थे. तो नासिक में जैसे ही पहुँचे हम तो ऑलमोस्ट हर चौक पे प्रोमिनेंट चौक पे शिवाजी महाराज की एक मूर्ति और काफ़ी बढ़िया डेकोरेशन और एक प्रॉपर उनके लिए स्टेज वगैरह बनाया हुआ था और वहाँ पे लिटरली आरती हो रही थी. उनको भगवान के साथ कंपेयर करते हैं यहाँ पे लोग. इतनी ज़्यादा मान्यता महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की. सो अ वेरी हैप्पी शिवाजी महाराज जयंती टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग. सो वी आर बैक ऑन हाईवे नाउ वी आर ऑन NH3 और ये जाता है सीधे इंदौर. बीच में हम हमारे रास्ते में बीच में आएगा चांदवर मालेगांव धुले और धुले के बाद सीधे इंदौर. बाकी का जर्नी हम करेंगे कल बिकॉज आज का तो हमारा प्लान इंदौर स्टॉप करने का ही है. अब हम आ गए हैं चांदवर. चांदवर बहुत ही सुंदर जगह है. पैलेस में पे हमने कर लिया सीट स्विच. मम्मी पीछे मैं आगे पापा ड्राइविंग सीट पे. घर का होममेड खाना खाया जो कि मामी और नानी ने मिलकर प्रिपेयर किया था हमारे लिए बड़े प्यार से. तो वो हमने अभी बिल्कुल फिनिश कर दिया है और बस चाय ले ली है चाय और चाउमीन और अब हम फिर से चल दिए हैं इंदौर की तरफ. इंदौर है यहाँ से अभी 185 अराउंड है ना और हम होपफुली पहुंच जाएंगे बाय 7:30 और उसके बाद हमारा प्लान है इंदौर घूमने का. हे वेलकम टू इंदौर. मैं आ गई हूँ अपने होटल में और हमने चेक इन कर दिया और अब हम यहाँ से तैयारी करेंगे सराफा मार्केट जाने की. तो आखिर सराफा बाज़ार इतना फेमस है क्यों? सराफा बाज़ार इंडिया का वन एंड ओनली मिडनाइट फूड मार्केट है और यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा यूनिक डिशेस आप एंजॉय कर सकते हैं. दिन में सुबह 11 से शाम के 8 बजे तक ये एक ज्वेलरी मार्केट होता है और 8 बजे के बाद ये एक फूड मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है. So I have finally reached Sarafa Bazaar and I can't wait to indulge in all the local delicacies of Indore. Let's find out more by tasting all of them. Let's go. अच्छा एक ये दे दो और एक ये जिमी कंद की चाट है ना जिमी कंद की चला रही. थैंक यू भैया और एक इसका भी काट लो. हाँ ये है गराड़ू ये है जिमी कंद की चाट.
the Coconut Crush, the world famous Coconut Crush at the Naveen with भैया क्या खिलाओगे खस्ता चाट ले खस्ता चाट ये क्या है ये अच्छा और ये कटोरी वाली थैंक यू भैया थैंक यू ये गाड़ी किसके अंदर आऊं एंड दिस इज व्हाट दे कॉल कटोरी चाट डिलीशियस Literally very crowded. I've been standing here for like 15 minutes now. I still haven't got my order. Hi. क्या है? ये मसाला चीज सैंडविच. Wow, looks delicious. खा के देखो. Let's try cheese sandwich. Probably the last delicacy that I'm trying here at Sarafa Market, which is Sitafal Rabdi. So let's try it. Hey everyone, so I've just come back from the Sarafa Market. The crowd was crazy. बहुत ही ज़्यादा crowded जगह थी और usually वो 9 से 2 बजे तक रहती है 2 से 3 बजे तक बट अभी ड्यू टू कोविड कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल डेज पे 9 से 11 ही रहती है सिर्फ हम बहुत ज़्यादा टाइम पे पहुँचे हम वहाँ पे शायद 9:50 पे पहुँच गए थे और 11 बजे पुलिस ने आके मार्केट बंद करा दी तो अच्छा था बट इट वॉज़ रियली वेरी क्राउडेड मतलब मैं शायद आज 4-5-6 साल बाद इतनी क्राउडेड जगह पर गई होंगी तो आई मीन फूड वॉज़ ग्रेट we had some really unique delicacies बहुत ही yummy थी और अब हम बस सोएंगे because we have to leave for our home tomorrow so I think it's a goodbye then I hope you liked the video and if you did do not forget to subscribe to my channel and leave your comments below जिससे मुझे motivation आता रहे आप लोगों के लिए vlogs बनाने का so I'll see you in the next vlog bye bye